गया के गांधी मैदान स्थित धरना स्थल पर बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति जिला शाखा के बैनर तले सात सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया है। इसमें जिले के सभी प्रखंडों के पदाधिकारी शामिल हुए। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का नेतृत्व बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष नंदलाल प्रजापति, सचिव कृष्ण कुमार, अजय कोषाध्यक्ष मोहन प्रसाद ने किया। इस धरना कार्यक्रम में अपने हक की लड़ाई के लिए महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिला अध्यक्ष नंदलाल प्रजापति ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि कुम्हार प्रजापति जाति को बिहार सरकार बरगलाने का काम कर रही है। आबादी के हिसाब से कुम्हार समाज को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि कुम्हार जाति आगे बढ़े। उन्होंने बताया कि सात सूत्री मांगों में 90 लाख कुम्हारों की बदहाली को देखते हुए अनुसूचित जाति में शामिल करना, राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना, माटी कला बोर्ड की स्थापना, जनसंख्या के बल पर राजनीतिक भागीदारी, कौशल विकास के लिए मुफ्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, उद्योग विकास की स्थापना करना, कुम्हारों को अपनी कलाकृतियों के बिक्री के लिए 25% रियायती दर पर दुकान आवंटित करना, पटना में संविधान सभा के सदस्य रतन नप्पा कुम्हार की आदमकद प्रतिमा स्थापित करना आदि मांगों पर विस्तार से मांग की गई है। धरना के माध्यम से सरकार को उपरोक्त मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की मांग की गई है। इस मौके पर संरक्षक द्वारका प्रजापति कैलाश प्रजापति, विनोद कुमार जया, पूर्व मुखिया सुमन कुमार, ज्ञान दत्त प्रजापति, ललन प्रजापति, विजेंद्र कुमार प्रभाकर सहित सभी प्रखंडों के अध्यक्ष शामिल हुए। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए गया से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अनुसूचित जाति में शामिल करना होगा, कुम्हार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना होगा, माटी कला बोर्ड की स्थापना करना होगा, माटी कला बोर्ड की स्थापना करना होगा। गया से 70 किलोमीटर दूरी परिवहन का क्षेत्र है, लेकिन हम लोग का पूरा योगदान रहेगा कि इमामगंज जिला के बैठक में या प्रदेश के बैठक में ज्यादा से ज्यादा संख्या है कि कुम्हार 90 लाख कुम्हार सिर्फ वोट देने का काम कर रहा है। आज तक इनकी मांग आज से नहीं रखे कि कुम्हारों को अनुसूचित जाति में शामिल करो, लेकिन ये सरकार आज तक हम लोग को हे दृष्टि से देखते जा रही, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए नीतीश सरकार को खुला संदेश है, ये कुम्हारों की तरफ से ये शुरुआत है, आगे और लड़ाई है। कुम्हारों को अनुसूचित जाति में शामिल करे, कुम्हारों माटी कला बोर्ड की स्थापना करे, और 90 लाख कुम्हार को जितनी जनसंख्या हमारी है उतना कम से कम हमारा राजनीति में भागीदारी दे, नहीं तो कुम्हार चुप नहीं बैठेगा। जैसे आगे उग्र आंदोलन किया था, गांधी मैदान पटना को भर करके बता देंगे, सारा कुम्हार ही पटना में लौकेगा, याद कर ले। वो समन्वय समिति जिला शाखा गया की ओर से धरना का कार्यक्रम आज रखा गया। यह धरना का कार्यक्रम जो कुम्हारों की सात सूत्री मांग है और बिहार सरकार के पास ये लंबित है, उसी के संदर्भ में रखा गया था। पहला मांग ये है कि कुम्हारों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। दूसरी मांग यह है कि कुम्हारों के लिए एक माटी कला बोर्ड का स्थापना किया जाए। माटी कला बोर्ड नज़दीक के राज्य झारखंड में स्थापित है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, इस तरह भारत के 6 राज्यों में माटी कला बोर्ड का गठन है। लेकिन दुर्भाग्य से नीतीश कुमार ने वादा करके बिहार को माटी कला बोर्ड का गठन नहीं किया। तीसरी मांग हमारी है राजनीतिक हिस्सेदारी। बिहार में कुम्हारों की आबादी 90 लाख है, लेकिन 90 लाख के बनिस्बत कुम्हारों का एक भी MLA, एक भी MP, एक भी राज्यसभा में सदस्य और विधान परिषद में भी एक भी सदस्य नहीं है। यहाँ दावा जो राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी मुख्य मांग है, उस मांग के तहत हमारी हिस्सा बनता है बिहार में 12 ML का, 2 MP का, 2 MLC का और राज्यसभा का एक सदस्य का, ये मुख्य मांगे हैं। और इसी के पूरा करने के हेतु पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार में प्रत्येक जिला के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का काम किया है। इसके अलावा हमारी और चार सूत्री मांगे हैं, उस संदर्भ में भी DM को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है।